हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी टैकोस। जब सबको ज़ोर से भूख लगी हो और ज़्यादा मेहनत की रेसिपी बनाने का मन ना करे तो आप इन देसी टैकोस को बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो घर में आसानी से मिल जाते हैं, तो और दूसरी बात यह है कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। तो चलिए फिर फटाफट टैकोस को बनाना शुरू करते हैं। टैकोस के लिए सबसे पहले हमें फिलिंग तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें गैस पे कोई भी कढ़ाई या पैन रखना है और उसमें हमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हमें 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालना है। जीरा हल्का सा चटकना शुरू हो जाए तो उसमें हमें डालनी है 5 से 6 कटी हुई लहसुन की कलियाँ। अगर आपको लहसुन पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 30 से 40 सेकेंड तक हमें इन्हें भूनना है। अब हमें इसमें प्याज डालने हैं, तो यहाँ मैं एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। तो इसे 1 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनना है। सब्जियाँ आपके पास जो भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब यहाँ मैं ले रही हूँ 3/4 कटोरी काले चने। इन चनों को मैंने 5 से 6 सीटी लगाकर उबाल लिया है। तो इसे डालकर हमें 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है ताकि जो इनका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर चनों को अच्छे से भून लिया है। अब हमें इसमें 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पनीर डालना है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी जो क्लिप थी वो मुझसे डिलीट हो गई। अब इसमें कुछ मसाले डालने हैं, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 3/4 छोटी चम्मच शेजवान चटनी, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टमाटो केचप। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। तो यहाँ सारे जो चीज़ें हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हमें इसमें डालना है धनिया। धनिया से जो ये फिलिंग है इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छे से मैंने यहाँ सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच ओरिगैनो और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इनको भी अच्छे से फिलिंग में मिक्स कर लेना है। तो हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हमें मिंट मेयोनीज बनानी है, तो उसके लिए यहाँ मैं 4 से 5 चम्मच मेयोनीज ले रही हूँ और इसमें 3 चम्मच हम पुदीना की चटनी डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो हमारी मिंट मेयोनीज बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ मैं एक चपाती ले रही हूँ। अगर आपके पास बची हुई चपाती है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर टैको शीट है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इस पर 1 चम्मच टमाटो केचप लगाना है और 1/2 चम्मच हमें शेजवान चटनी लगानी है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसके 1/2 हिस्से पर हमें चीज़ रखना है। यहाँ मैं मोजरेला चीज़ ले रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो इस पर रख सकते हैं। और जो फिलिंग हमने रेडी की थी अब वो रख देनी है इसके ऊपर, और थोड़ा सा चीज़ और इसके ऊपर रख देना है। अब हमने इसके 2 हिस्से पर मिंट मेयोनीज लगा देनी है और इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है और हल्का सा प्रेस कर लेना है। अगर फिलिंग बाहर निकल जाती है तो आप उसे इस तरीके से सेट कर लें। तो इसी तरीके से हमें टैकोस रेडी करने हैं। तो यहाँ मैंने सारे टैकोस जो है तैयार करके रखे हुए थे। अब हमें इन्हें सेकना है, तो उसके लिए हमें गैस पर कोई भी तवा या पैन रखना है और उस पर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल रखकर उसे अच्छे से सारे तवे पे लगा लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह बटर या घी भी लगा सकते हैं। और इस पर जो हमने टैको रेडी किया था वो इस तरीके से हमें रख देना है। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है और इसी तरीके से इन टैकोस को हमें 3 से 4 बार पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेकना है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट तक इन टैकोस को अच्छे से सेक लिया है। कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है। अब हमें इसके निचले हिस्से को सेकना है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से चिमटे से दोनों टैकोस को पकड़ना है और 1 मिनट के लिए हमें निचले हिस्से को सेक लेना है। तो हमारे क्रिस्पी से टैकोस बिल्कुल रेडी हैं। इसे एक प्लेट पे निकाल लेना है और बाकी के जो हॉट टैकोस हैं उनको भी इसी तरीके से हमने सेक लेना है। तो है ना फ्रेंड्स, टैकोस को बनाना बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। अच्छी बात यह है कि टैकोस को आप जितना चाहे उतना हेल्दी बना सकते हैं। आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, और आपके कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।